के बाद बीमारी उसके आपकी घोषिका की अगर यहाँ पर की अगली बार दूसरी उम्मतों पर भी क़यामत के लिए गवाही दी क्योंकि पूरी दुनिया के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी शामिल है जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया वो उम्मत इजाबत में शामिल है और जिन्होंने ईमान कबूल ना किया वो उम्मत दावत में शामिल है। अहले ईमान को आप सआदत और जन्नत की इशारत देने वाले हैं कुफार और कुफार को अल्लाह के आजाब और हलाकत से डराना आप ही जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इस्लाह के हसना और इस्तिकामत की दावत देने वाले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ना दुनिया की दावत की ना इख्तियार की ना हमारे गरीबत जमा करने की ना ही कौमियत और अस्मिता की बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत खालिस अल्लाह की रजा के लिए थी जिसका मकसद सलाह और इस्लाह के सिवा कुछ न था। और इसमें क्या शर्त है कि अंबिया के आमाल में सबसे अफजल अमल दावत की है तो रब्बे तआला फरमाते हैं कि उससे ज्यादा इबादत कौन सी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और एक काम करे और कहे कि मैं यकीन है उस आम मुसलमानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे हुई है आपकी वो दो वजूद से दो लबे दो हुई और जो हाथ का इशारा हुआ इतना अरसलना कर लागी लहु कुंतुम नबीला वलागी अल्लाह की और मंदिर का पहुंचना आसान हो जाता है वो आदाब भी ध्यान करती है जिस आदाब से तुम्हारे जहलियत के लोग नाश्ता थे यहाँ उनके जितनी आदाब जिक्र है पहला ये कि किसी घर के इजाजत के बगैर दाखिल ना हुआ करो दूसरा ये कि अगर खाने की दावत से तुम्हें बुलाया गया हो तो खाने से पारे होकर उठ जाया करो बातों के मजबूर होकर खाए गए खाना का वक्त मत जाया किया करो तीसरा ये कि गैर महरम खुवातीन से दूसरी मांगने की जरूरत पेश आए तो पर्दे पर्दा मांगा करो बिना हिजाब उनके सामने ना आया करो अलबत्त आपके महारिफ के सामने औरत को बेपर्दा आने की इजाजत है। अगली बात अजवाज और महारात की जरूरत ध्यान करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्मत और नबूवत का इम्तिहान करवाई और अहले ईमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम हकीकत है वो हमारे लिए इज्जत और तकदीर फरिश्ता आया था उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप इस बात से खुश नहीं हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहता है कि आपकी उम्मत में से जो कोई आप पर एक बार दुरूद भेजेगा मैं उस पर 10 रहमतें नाज़िल करूंगा और जो कोई एक बार सलाम भेजेगा मैं उस पर 10 बार सलाम की नाज़िल करूंगा। मैंने फरिश्ते को जवाब दिया हाँ मैं कोई मुस्तफा बिन अहमद ने रिवायत है। अगली बात पहले मुसलमानों को दीन पर हिजाब की पर्दे का हुक्म दाखिल हुआ फिर उमूमी तौर पर हर मुसलमान खातून को पर्दे का हुक्म दिया गया और वो बीवी हो या बेटी हो या माँ हो हिजाब औरत की इज्जत और अदब का मुहाफिज और वाइफ से तकलीफ और तारीफ है। हिजाब शरई हिजाब शराय का मजबूत रखना जरूरी है। हिजाब ऐसा हो कि पूरे बदन को छुपा दे वो हिजाब की नसीब को कशिश और निगाहों को उन्मुलते करने वाला ना हो ऐसा बारीक
करने वाले आसान को जाहिर करें चार संस्था हो जाए। ऐसा वास्तव न हो जिसकी खुशबू दूसरों तक पहुंचे। बनावट के बदलों के लिबास से मुताबिक न रखता हो। ऐसा लिबास न हो जो काफिर और उसके पौधों की पहचान कर चुका है। शोहरत का लिबास न हो जिसे वह शोहरत के लिए पहना जाए। अभी से पड़ता वही जारी है। सूरज के इंतजाम पर फराय के वाजिबात मुझे का काम किया गया ध्यान की गई है। एक ही आकाम उस अमानत का हिस्सा है जो अल्लाह के बंदों को सौंपी है। आसमान जमीन और पहाड़ों ने इस अमानत का बोझ उठाने के लिए इंतजार कर दिया क्योंकि उनके अंदर ये बोझ उठाने की सलाहियत नहीं। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अपने फिक्र और खैर विकास के दरमियान तबीज करने की सलाहियत अदा की है तो उसने बोझ को उठा तो लिया मगर उसका हक अदा न कर सका। खबर है उसका कोई अमल की उसके बाद इनके बारे में बताया गया कि वो हिसाब और जैसा और मरने के बाद की जिंदगी का एक बार करती है। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आप अपने रब की तरफ आकर कहें कि क़यामत का दिन आकर रहेगा और क़यामत आकर रहेगी। नेकोकारों को सजा और बदकारों को सजा जरूर मिलेगी। इसके अलावा यह मज़ामीन पूरे सबा में है और ये सबसे पहला नबूत हजरत दाऊद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अहले सबा पर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों पर तज़किरा फरमाकर गोया काफिर और काफिर का तकाबुल और मुआवजा किया है। अव्वल फिक्र दोनों अल्लाह के जरिए और दाखिल और शाखे बदले थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हजरत एजाज तक पहुंचा हुआ सूर्य जमाल अदा फरमाया था और खूबसूरत आवाज की होगी। वो जब अल्लाह की दृष्टि करते थे तो पहाड़ और परिंदे भी उनके यहाँ दवा बन जाते थे और जब जरूर बढ़ते थे तो जानवर उनकी प्यास होता था उस पर जीविया पानी हो जाता। अल्लाह ने उसके लिए लोहा नरम नरम कर दिया था। उन्होंने सब चाके बोल रहे थे और जो लोग चाके इसे बना रहे थे उन्होंने कारखाना बना रखा था जिसको लोहे की मजबूत रेत बनती थी। उसे दुनिया की पहली चीज में भी करार दिया जा सकता है जिसे अल्लाह तला ने अजय दाऊद अलैहिस्सलाम पर खुशी नामाज के लिए दी। अजय सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी खूब नवाजा था। उन्होंने अल्लाह के परिंदों की बोली सिखाई उसके लिए तांबा पहनता हुआ चश्मे छुपे क्या कर रहा था। उसे दो कहते बसहूलत बना लेते जो नाक उनके काबे थे। उनके आप का मिलान और सामान उनकी गर्व हरकत के मुश्किल काम लेते थे। उनके लिए हवा को मुसफर कर दिया गया था। आज का जैसे हवाई जहाज होते हैं ये आपका हवाई जहाज था जो दो माह की मुसाफर से इनके पूरे हिस्से में तय कर दिया जाता था। अल्लाह ताला ने इन मुख्तलिफ और मुकूब नियमतों के बावजूद दोनों बाप बेटा इतनी अल्लाह ताला ने मेहनत की अदा की थी उसके बावजूद दोनों बाप बेटा फखर और गुरू का शिकार ना हुए। फखर गुरू का शिकार ना हुए का सीधा निशान है ना। और जिक्र शुक्र से एक लहजा की एक इमाम पर ना हुए जबकि उनके शुक्र इंसान की रही है अल्लाह ताला के बंदों में से शुक्र करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। दूसरा किस्सा यहाँ बयान हुआ वह अहले सबा का है। पहला किस्सा अहले शुक्र और ईमान के ये रोशन मीनार था। दूसरा किस्सा अहले गुफार और ज्ञान की तारीफ कर रहे हैं। अहले सबा को रिजत की फरावानी शेर अफजा आबो हवा तस्वीर सलीम फलदार बाबार जैसी जैसे अदा की गई सलीम मुसाफर तक दूर दूर तक ये बाबार चले जाते थे। न गर्मी और दूर सदा की और न ही भूख परेशान करती पानी लगिया करने के लिए गैन भी था जिसे सत्य बहादुर के नाम से याद किया जाता है। लेकिन उन्होंने उस नेहतों का शुक्र अदा ना किया बल्कि नाशुकरी का हुआ है। फिर वो जो हुआ जो है नाशुकरी मौत के साथ होता है और खून का आजाद की सोच इख्तियार कर लिया उसके पानी के तबाही बचा दी बाबार और बस्तियाँ हद और पाशाब पर चल रहे थे जहाँ फल खून से वहाँ गाढ़ और गाढ़ के सिवा कुछ ना बचा और ऐसे सभा का जिक्र सिर्फ दास्तान हो रह गया। इस सूरत को मुसलसल बिजली के अकाय और रोजगार की हकी और दलाइल से तरकीब और तोहीन है। उनसे कहा गया है बुलाओ उनको जिले में अल्लाह की दुआ हाजिर रहो और उनको दुकान समझते हो देखते हैं कि वो तुम्हारे क्या फायदा होता है। कभी तहसील के स्कूल में उसे सवाल करने का हुक्म दिया गया कि बताओ तुम्हें आसमानों और जमीन में
कौन रिजर्व देता है। कभी ये सवाल किया गया कि इन्हें तुम अल्लाह के साथ इबादत के करीब समझते हो, जरा उन्हें सामने से बुलाओ ताकि मैं देखूं कि उनके अंदर बहुत सी ऐसी सिफत पाई जाती है जिसकी वजह से वो इबादत के मुस्तहिक बन गए। आप लोग कहते हैं जो इस सभा के कुफार और मुशरिकीन की सरकशी और कुफर की बुनियादी वजह सलामतों गिना को बताया गया ईमानदारी से है। उन्हें इस पर इतना नाज था कि उनका ख्याल था कि हमारे जैसे अकाबिल माल औलाद को सब दुनिया में आजाद हो सकते हैं और आखिरत में आजाद होगा। आज की ऐसी सोचे तो आज के अखबार में वो क्या कहेंगे कि आप अखबार और औलाद के अखबार से उनसे ज्यादा है और ये आजाद नहीं किया जाएगा और आखिरत के मामले को भी दुनिया पर ज्ञान करते थे। उनका ख्याल था जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में सोशल और मुल्तानी अजाब करवाएंगे ये भी मामला उनके साथ आखिरत में भी किया जाएगा। उन्हें जवाब दिया गया कि फरमा दीजिए करता है और काम भी कर लेता है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और ताकीद पर हमारा करता था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर और तुम्हारा कहने के बाद भी जानते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया आप मुझसे फरमा दीजिए मैं तुम्हें एक मस्जिद की बात करता हूँ तो अल्लाह के लिए दोस्तों और अकेले के लिए ईमान कबूल करना चाहेंगे लेकिन उनकी चाहत और उनके दरमियान पर्दा कायम कर दिया जाएगा ताकि वो ईमान से महरूम ही रहेंगे। पूरे सूरत में तौहीद के बारे में ताला की दावत है उसके वजूद पर दलायल शिर्क की बुनियादों का इल्जाम और दीन हक पर कायम रहने की ताकीद है। सूरत की इब्तिदा और मालिक और मब्दा की तरह है जिसके आने से कोनो महा और इंसानों फरिश्तों और जिन्नात को पैदा किया इंसानी नजरों को तब्दील आयात की तरफ मुतवज्जे किया गया जो इस किताब जहां के हर वक्त पे फैली हुई है। मरने के बाद की जिंदगी पर ऐसी और बताया गया कि अल्लाह बारिश से मुर्दा जमीन को जिंदा करता है शब और रोज को यकीनवार दीकर लाता है जो इंसान को तकलीफ के अंदर मराहल से गुजारता है वो मुर्दा इंसानों को भी दोबारा जिंदा कर सकता है। ईमान और हिदायत कुफर और दलालत के दरमियान मिसालों के जरिए फर्क करती है। ये सूरत बताती है कैसे दीना और नामीना जिंदा और मुर्दा जुल्मत और नूर रूप और छाव मुसावी नहीं हो सकते मोमे और काफे भी बराबर नहीं हो सकते। इसके बाद दोबारा पढ़ जाएंगे तो कुदरत के दायरे से ये सूरत बहस करती है रंगारंग और मुकरबे नूरों सफेद स्वर्ग और स्याह पहाड़ों और मुख्य पर्वतों जबानों और मिजाजों वाले स्थानों और हजारों किस्म के परिंदों पशुओं शराब और कौओं में उसकी कुदरत की बेशुमार निशानियां हैं लेकिन इन निशानियों को देखकर सिर्फ उन्हीं के दिल में तशद्दुद और खौफ पैदा होता है जो इल्म रखते हैं और जो गहराई से जाकर सोच सकते हैं जो आकाश पर पड़े हुए पर्दे उठा सकते हैं क्योंकि जिसके दिल में जितनी मार्फत होगी उतनी ही कैफियत और अनुभव होगी। इसके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सारे इंसानों से ज्यादा कैफियत थी अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में था। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया अल्लाह की कसम मैं तो सबसे ज्यादा दिल के अल्लाह से ऐसे रुकोत रखने वाला हूँ। ऐसे जब कहते हैं कि इस आयत में उलमा से मुराद सिर्फ दीन और शरीयत के उलमा नहीं है बल्कि कायनाती इलम रखने वाले उलमा भी शामिल है यानी कि फल्सियात दवादात किसा और फल्सियात वजन रखने वाले इसके हाजत में है क्योंकि वो भी जब सही महज पर कायनात के इसरार पर नजर डालते हैं तो ये नजर उन्हें अल्लाह ताला की वाहदानियत और कुदरत के एहसास पर मजबूर कर देती है और यही एहसास आखिर में अल्लाह ताला की मशीयत और अजमत पैदा करने का सबब बनता है। इस सूरत को किताब मजबूर दिखाई देने वाली किताब कायनात से किताब मजबूर लिखी हुई किताब यानी कुरान की तरफ मुंतकिल हो जाता है और लोगों की तारीफ की गई है जो किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं तारीफ के बाद अमूली तौर पर उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत बयान फरमाई है। इस पर अल्लाह ने ये किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाई
लेकिन नजूल कुरान के बाद के ऊपर तीन ग्रोह में तकसीम हो। पहला सारे जिनको गुनाहगार मुसलमान है जिनकी गुनाह उनकी बेटियों से ज्यादा है। दूसरा न्याना रवी जिनके आसानात और सैयाद मुसामी है। और तीसरा काफे वो सच्चे मोमिन जो इबादत और इबादत में दूसरों से आगे बढ़ गए। लेकिन इन तीनों का आखिरी जो तारीफी ठिकाना बार बार जन्नत है, कुछ बरायात जन्नत में जाएगा और कोई अपने गुनाहों का खमियाजा गुजरने के बाद जाएगा। सूरत के इख्तिताम के अल्लाह के इलम और बोलबाली का जिक्र है। अल्लाह अकबर। वो गुनाहों पर कतल और कोई सजा नहीं देता। अगर ऐसा हो तो जमीन पर इंसान को रहमान और परिश की जिंदा न रहे। उसने जजा और सजा की एक वक्त मुहैया कर रखा है और वक्त जब आएगा तो फिर आखिर अदल का निजाम हरकत में आ जाएगा। सूरह यासीन मक्की है। उसके 33 आयात और 5 हमारे मुसलमान भाई इस सूरत को जान करी की आसानी के लिए तो पढ़ते हैं लेकिन इस पर अमल करने वाले कम है। जबकि असल सवाब और अल्लाह का खौफ इसकी मामूलात का अमल करने की इससे हासिल होता है। इस सूरत की इतना पैदा करा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सच्चाई पर कुरान की कसम खाई है। फिर उनको बारे बुराई का तस्कर है लोगों को गलाल में बहुत आगे निकल गए थे जिसकी वजह से वो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो गए। इसके बाद उस बस्ती वालों का जिक्र है जिन्होंने ये बात कीकर अल्लाह के तीन अंबिया को झुठलाया। जब वो भी थे कि एक हक पर और नाशे उन्हें समझाने लगा तो उन्होंने उसे शहीद कर दिया। उस नाशे की गुफ्तगू इंशाल्लाह अगली सिपारे के टाइम से सिपारे जाएगी।